अल्लाह ताला ने शोहर को हक दिया है और औरत पर लाजिम किया है कि वो शोहर की इताअत करे, लेकिन जब औरत का मूड ही सिर्फ रेजिस्ट करने का वजह हो और शोहर को सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग हो कि इसने तो मेरी बात माननी ही नहीं, तो ये चीज़ बहुत सी तलखियों को जन्म देती है। ऐसे में औरत और मर्द के मिजाज में चूँकि कुदरती फ़र्क है, बाज़ औक़ात शोहर की जो डिमांड होती है औरत नहीं पूरी कर सकती, या औरत का मिजाज इससे मुख्तलिफ होता है, या औरत इसको अपने लिए एक मुसीबत और बोझ समझती है, तो भी इस मौका पर इताअत करे कि अल्लाह का हुक्म है, अगर मुझे उससे जजा चाहिए सिर्फ अपनी मर्जी नहीं। आप देखिए कि जब से औरत ने अपने ऊपर घर और बाहर की दोरी जिम्मेदारी ली तो उसमें औरत के लिए एक इस मकाम पर इताअत करना ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि वो दिन भर बाहर के कामों से इतनी थकी होती है कि अब वो इस काबिल नहीं कि शोहर की बात मान सके, और वो बेशुमार घर के अलावा बाहर की टेंशन में गिरफ्तार है, लिहाजा एक तरफ अपना घर ख़राब कर रही है। ज़ाहिर है जब शोहर को तो रोज़ ना ही सुननी पड़े तो इसकी वजह से लाजमन तवज्जो बाहर जाएगी, वो कहीं और देखेगा, ज़िम्मेदार कौन होगा। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की नाराज़गी भी, क्योंकि अल्लाह की रज़ा शोहर की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी शोहर की नाराज़गी में है। हाँ, ये अलग बात है अगर शोहर नारवा ज़्यादती करता है और बिल्कुल बेरहम है, या ऐसा कोई मुतालबा करता है जो नाजायज़ में आता है, तो वो नहीं पूरा करना। आपको बताया गया कि फितरी तरीके के अलावा कोई भी ऐसा तरीका, ख्वाह वो शोहर और बीवी के दरमियान ही क्यों ना हो, इसे हराम करार दिया गया, चाहे वो अमले लूत कौम लूत से मिलता हो। ये तो नाजायज़ है ही, लेकिन फितरत के दायरे में और इसमें बुनियादी चीज़ जो बाहम काउंट करती है वो बाहम एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना है, एक दूसरे के मिजाज को समझना है और एक दूसरे के साथ ताउन है। लेकिन आप देखें, हमेशा आइडियल सूरत हाल नहीं हुआ करती, हर शख्स इतना कंसिडर नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने औरत को जहाँ शोहर को बाहर की मशक्क़त दी, कितनी मशक्क़त होती है गर्मी में धूप में, और मसलन हर शख्स का एयर कंडीशन ऑफिस तो नहीं है कि वो वहाँ बैठकर काम कर रहा है, बहुत से हमारे सड़कों पे सड़कें बना रहे हैं, धूप में खड़े होकर कुछ तो खेतों में काम कर रहे होते हैं, धूप में काम कर रहे होते हैं, तो अगर सारा दिन बाहर मशक्क़त करता है तो उसने मेहनत की और बीवी के लिए सारा आराम फराहम किया, खाना पीना बाकी ज़रूरियात। अब अगर बीवी को इसका मुतालबा पूरा करने में थोड़ी तकलीफ हो ही रही है तो क्या हुआ कि दिल नहीं भी मान रहा तो क्या हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो औरत ये समझती है कि मैं अपने मूड के ख़िलाफ़ जाकर अपने शोहर को राज़ी करती हूँ तो ये मेरे रब की रज़ा हासिल करने का एक ज़रिया है। तो आप देखिए कि ये वो चीज़ है जिसका सिला आपको अल्लाह दुनिया में दे देगा, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ शोहर की नहीं अल्लाह की भी इताअत कर रही है। एक मुसलमान औरत को उसके रब ने यह हुक्म दिया है, और इसमें वो हदीस आपने सुन रखी होगी जो औरतों को सुनाने में बड़ी मुश्किल पेश आती है, लेकिन बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हम उनका नाम सुन सुन कर रोते हैं मोहब्बत में और नाते सुन सुन कर झूमते हैं, तो ये भी आपको मान लेना चाहिए और इस हदीस को भी सुन लेना चाहिए, इतनी ही खुशी से जितनी खुशी से एक नात सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो ना आए तो सुबह तक फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। बुखारी की रिवायत है।